एक साल सरकार का बेमिसाल का टैगलाइन दिया जा रहा है, आप संतुष्ट हैं इस एक साल के कार्यकाल से? देखिए, मेरी संतुष्टि से भी ज्यादा जनता की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, किंतु मैं ये कह सकता हूं कि हमने बदलाव लाया है। मसलन 2.5 साल तक जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, उसमें महाराष्ट्र रुक गया था, थम गया था। महाराष्ट्र केंद्र सरकार के साथ एक प्रकार से संघर्ष कर रहा था बिना कारण के। केंद्र की योजनाएं बंद कर दी थी, राज्य में जो मैं मुख्यमंत्री था उस समय की योजनाएं बंद कर दी थी। हमने सारी चीजों को गति दी। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर देखे तो मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक अब हम पूरा करने जा रहे हैं, मुंबई का कोस्टल रोड हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, मुंबई की मेट्रो 2 हमने चालू कर दी, अंडरग्राउंड मेट्रो जो सबसे बड़ी मेट्रो है एशिया की, वो हम इस साल के अंत में पार्टली शुरू करेंगे। मुंबई में हम लोग विरार अलीबाग कॉरिडोर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, पुणे रिंग रोड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, नागपुर मुंबई समृद्धि का हमने उद्घाटन किया, हम लोग नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे का हम लोग काम कर रहे हैं। 7,500 हम लोगों किलोमीटर के हमने रोड्स के काम अभी महाराष्ट्र में शुरू किए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत काम हमने किया। इस एक साल में हमने 8 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के तहत आएगी, ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हमने एक साल में ही मान्यता दे दी है। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ का सेक्टर है तो हेल्थ के सेक्टर में हमने 10 नए मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी, 3 का काम शुरू किया। हम लोगों ने हमारे यहाँ पर जो एक हेल्थ कवरेज था लोगों का, उसको यूनिवर्सल किया। 12 करोड़ लोगों को महाराष्ट्र के हम लोग 5 लाख तक इलाज मुफ्त कर रहे हैं। तो एक और केंद्र की सरकार उसमें 1 करोड़ लोगों को इलाज मुफ्त दे रही है। केंद्र और राज्य मिलाकर हमने को ब्रांडिंग किया है, तो लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ साथ जो अलग अलग सेक्टर है, इन सेक्टर में चाहे वो मेट्रो रेल का सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो, इतनी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपया देते हैं। हमने महाराष्ट्र में नमो किसान सम्मान योजना शुरू की और प्रधानमंत्री जी के साथ 6,000 रुपया अब हम भी देंगे, तो 12,000 रुपया किसानों को मिलेगा। हम जो किसानों को जो किसान हमारी अंत्योदय स्कीम में नहीं है, ऐसे किसानों को भी हम अनाज देते हैं। अब हम उन लोगों को DBT से 9,000 रुपया दे रहे हैं, तो 21,000 रुपया किसानों के घर में सीधा इस मामले में जा रहा है। तो ऐसे कई निर्णय कि जो ट्रांसफॉर्मेटरी है, जैसे जो हमारे यहाँ पर गरीब विधवा महिलाएं हैं, इनको हम 1,000 रुपये पेंशन देते थे, वो 1,500 रुपये अब हम लोगों ने कर दी, उनको 1,500 रुपये हम पेंशन देते। आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी सेविका हो, सभी के मानधन में हमने बहुत बढ़ोतरी की है। तो समाज के सभी तबकों के लिए अभी हम लोग प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना के साथ साथ हमने हमारी महाराष्ट्र की एक मोदी आवास योजना शुरू की, जिसमें 10 लाख घर हम बना रहे हैं। मुंबई जैसी जगह 2000 से 2011 तक जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनको मात्र 2.5 लाख रुपए में हम लोग घर दे रहे हैं। तो ऐसे मैं बहुत योजनाएं गिना सकता हूं कि जो पिछले एक साल में हमने की है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को हमने वापस नंबर 1 लाया है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री था तो लगातार 4 साल FDI में महाराष्ट्र नंबर 1 था। 2 साल तो ऐसे थे कि हमारे पीछे के 4 राज्य मिलाकर भी हमसे पीछे थे। जैसे हमारी सरकार गई तो कर्नाटक, पहले गुजरात नंबर 1 आया, उसके बाद कर्नाटक नंबर 1 आया, लेकिन इस एक साल में वापस हमने महाराष्ट्र को FDI में नंबर 1 लाया है, और अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस साल महाराष्ट्र में आया है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, चैलेंजेस है लेकिन हम लोग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं, इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और मैं और हमारा मंत्रिमंडल, हम चैलेंजेस को सामने जा रहे हैं और महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं।